is the Lord, my Pastor Simon Carmen, Co-Chairman, Temple of God Ministries and Principal, TOG Theological Institute, आपका रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया, वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेम्पल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टी ओ जी टीवी है, उनको खुदा गुज़िश्ता 44 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेम्पल ऑफ गॉड चर्च लोहा पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेलिटर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सर्मन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के पर जाकर आप टी ओ जी टीवी को सब्सक्राइब करके उसके जरिए टीचिंग वर्शिप और सर्मन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशन को देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 187 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है क्रिस्टोलॉजी एंड पेट्रोलॉजी और आज की टीचिंग होगी यहोवा एल ओलाम एवरलास्टिंग गॉड यहोवा एल ओलाम खुदाए अब्दी। आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा थियोलॉजी प्रॉपर में खुदा की जात के बारे में। इब्राहिम यहोवा खुदाए अब्दी कहकर दुआ करता है जब झाव का दरख्त लगाया, यानी एवरलास्टिंग गॉड का मुकाशफा बताएं और यहोवा नाम और मैं हूं नाम और एल ओलाम में फर्क भी बताएं। इसी तरह दूसरा आखिरी क्वेश्चन होगा सिस्टमैटिक थियोलॉजी में क्राइस्ट के हवाले से कि बेटा भी बाप की तरह एवरलास्टिंग गॉड यानी खुदाए अब्दी है, इसका मुकाशफा बताएं और क्लिसिया रूल कुदस में होकर कैसे जानना है। नाज़रीन अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवाल के जवाब का आगाज होगा। जनाज़रीन आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा, अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल करेंगे। थैंक यू बाइबल सेमन बिलीवर्स टेंपल गॉड की क्लीसिया बाइबल स्टूडेंट्स, पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। पैदाइश 21वां बाब 27वीं आयत और 33वीं आयत। फिर अब्राहम ने भेड़ बकरियां और गाय बैल लेकर अबीमलक को दिए और दोनों ने आपस में अहद किया। तब अब्राहम ने बैर सभा में झाओ का एक दरख्त लगाया और वहां उसने खुदावन से जो अब्दी खुदा है दुआ की और अब्राहम बहुत दिनों तक फिलिस्तीन के मुल्क में रहा। जबूर 90 और उसकी पहली चार आयात। या रब पुश्त दर पुश्त तू ही हमारी पनागाह रहा है, इससे पेशतर के पहाड़ पैदा हुए या जमीन और दुनिया को तूने बनाया, अजल से अब तक तू ही खुदा है। तो इंसान को फिर खाक में मिला देता है और फरमाता है ऐ बनी आदम लौट आओ, क्योंकि तेरी नजर में 1000 बरस ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो गुजर गया और जैसे रात का एक पहर। आमीन। इफ़सियों पहला बाब 9वीं आयत। चुनाचे उसने अपनी मर्जी के भेद को अपने उसने एक इरादा के मुआफिक हम पर जाहिर किया जिसे अपने आप में ठहरा लिया था ताकि जमानों के पूरे होने का ऐसा इंतजाम हो कि मसीह में सब चीजों का मजमुआ हो जाए, ख्वा वो आसमान की हो ख्वा जमीन की। और इब्रानियों पहला बाब 8वीं आयत। मगर बेटे की बाबत कहता है कि ऐ खुदा तेरा तख्त अफजल आबाद रहेगा और तेरी बादशाही का असा रास्ती का असा है। पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल गॉड की क्लीसिया बाइबल स्टूडेंट्स सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाला से क्रिस्टोलॉजी और पेट्रोलॉजी के बारे में हम लर्न कर रहे हैं। आज की टीचिंग यहोवा एल ओलाम एवरलास्टिंग गॉड यहोवा एल ओलाम खुदाए अबदी। और जो हवाला जात पढ़ेंगे थीज़म के अंदर हम ट्रिनिटी के बारे में और क्राइस्ट की जात क्रिस्टोलॉजी के बारे में और गॉड द फादर के हवाला से पेट्रोलॉजी के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं और नेमटोलॉजी में होली स्पिरिट के हवाला से और पेट्रोलॉजी में खुदा अलोहिम की जात जिसका नाम यहवा है और आई एम है और दीगर नामों के बाबत लर्न कर रहे हैं और आज यहोवा एल ओलाम के हवाला से यानी एवरलास्टिंग गॉड अबदी खुदा। और जब हम अबदी खुदा की बाबत लर्न
करने जा रहे हैं एल अलोम के बारे में, हम एलोहिम यानी खुदा की जात को जानते हैं, और फिर एडोनाई के बारे में यहवा उसका नाम है, आई एम उसका नाम है, और जैसा लास्ट टाइम एपिसोड के अंदर एल शडाई के बारे में तालीम को जाना कि किस तरीके से गॉड द फादर यहवा का नाम है, और फिर किस तरह फर्स्ट पर्सन के अंदर यहवा अपना अपीयरेंस एंजल फ्लॉर में देता है, किस तरह अब्राहम को दिखाई दिया और कहा कि वो एल शडाई खुदा है। और आज जब हम यहां पर एल ओलाम की बाबत यानी एवरलास्टिंग गॉड की बाबत बात कर रहे हैं, तो ये 21वां बाब जो पैदाइश की किताब के अंदर पढ़ा गया उसमें अब्राहम ने एवरलास्टिंग गॉड से दुआ की है, यानी एल ओलाम के हवाला से, यानी वो खुदा की जात को एल ओलाम कह के पुकार रहा है। बाद जगह पर जब हम खुदा की जात को पुकारते हैं और यहवा उसका नाम है तो इज़राइल अदोनाई कहते और यहवा लिखते, यानी हम ऐसे खुदा की इबादत करते जिसका नाम यहवा है, आए हम है। और जब आज हम कलीसियाओं में दुआ करते हैं तो यहवा बाप से यसु नाम में दुआ करते हैं, तो ये पैटर्न आज होली स्पिरिट के जरिए से बाइबल मुकद्दस के अंदर जो तालीम दी गई है हम बखूबी जानते हैं कि बाप से किस तरह दुआ करनी है। और अब्राहम जब दुआ कर रहा है खुदा से और खुदा को वो एल एलोम के हवाला से पुकारता है, यानी खुदा अबदी कह के पुकारता है, तो एल एलोम का मतलब हमारे सामने आ जाता है। एल एलोम का जो मानी आता है एटर्नल गॉड या एवरलास्टिंग गॉड। तो जब एवरलास्टिंग गॉड की बात की जाएगी तो इसका मतलब है नो बिगनिंग नो एंड, यानी अबदी खुदा का ना शुरू है और ना आखिर है। मगर इसका मानी हम एटर्नल गॉड के अंदर लेते हैं कि ना शुरू है ना आखिर। जब हम एवरलास्टिंग की बात करते हैं यानी एवरलास्टिंग से एवरलास्टिंग यानी एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग, तो इसके अंदर एवरलास्टिंग का मानी हम बिगनिंग में भी लेते हैं मगर इसका कोई एंड नहीं है, तो एवरलास्टिंग को एवरलास्टिंग के मानी के अंदर इस तरह लेंगे। तो ये दोनों मानी आज ये बयान किए जाएंगे, यानी एल अलाम के हवाला से जब अब्राहम ये दुआ करता है तो अब्राहम का दुआ करने का जो मकसद है यहां पर जब वो दुआ उसने की है तो एल अलाम के हवाला से अबदी खुदा के हवाला से यानी एटर्नल बन के हवाला से। और यहवा और एलोहिम और एल अलाम का फर्क भी मैं यहां पर बयान करूंगा, मगर पहले जो बात यहां पर बयान की जा रही है कि अब्राहम वो एलोहिम नाम को भी समझता है, यहवा नाम को भी समझता है, एल शडाई नाम को भी समझता है, एडोनाए को भी समझता है, देखकर और नाम भी समझता है। मगर यहां 21वें बाप के अंदर जब अभी मल्क जो फिलिस्तीनों का बादशाह है उसके साथ उसका एग्रीमेंट होता है, उसके जाने के बाद वो फौरन वो जो कोविनेंट बांधा जाता है वो उस सरजमीन के अंदर यानी जरार में वो एक दरख्त लगाता है और दरख्त लगाकर फिर वो पेड़ उठाता है, बाद जगह पर वो मजबे बनाता है और वहां पर पेड़ करता है। यहां पर उसने झाऊ का एक दरख्त लगाया है और वहां पर उसने पेड़ उठाई है। और अब्राहम किस बारीकी के साथ अपने खुदा को जानता है और हर मौका के ऊपर वो किस तरीके से उसको पुकारता है। तो हमें एलोहिम का पता है कि हम जिंदा खुदा की इबादत करते हैं जो ट्रेन गॉड है, यानी एथीइज्म के अंदर ट्रिनिटी के अंदर बिलीव करते हैं, फादर सन होली स्पिरिट पर हमारा बिलीव है। तो एलोहिम जो प्लूरल है पर सिंगुलर यूज करते हैं गॉड के लिए खुदा के लिए, और उसका नाम यहवा है, और यहवा का नाम एटर्नल वन है और इसी तरह आई एम का। मगर जब हम एल एलोम की बात करेंगे तो इसका मतलब एटर्नल गॉड है। तो जब हम एटर्नल गॉड एलोहिम में कहेंगे तो वो एटर्नल क्रिएटर की बात हम कर रहे हैं। जब हम एल अलाम की बात करेंगे तो इसमें टाइम स्पेस से बाहर खुदा की जात जो अबदी खुदा है आज उसके ऊपर हम बात करेंगे कि वो अबदी खुदा है। जब हम अबदी क्रिएटर या अबदी खालिक कहेंगे तो एलोहिम के अंदर बात करेंगे। जब एल अलाम के अंदर बात करेंगे तो ये उसका ना शुरू है ना आखिर है, नो बिगिनिंग नो एंड एटर्नल गॉड के हवाला से अबदी खुदा के हवाला से। तो अब्राहम
हर जगह पर जहां जहां वो प्रेयर उठाता है, और मैं आप भी इसी तरह खुदा की जात को एलोहिम के हवाले से, यहवा के हवाले से, उसका नाम है यावे, और फिर आई एम उसका नाम है, और एडोनाई के हवाले से, एल शडाई के हवाले से, इसी तरह एल अलाम के हवाले से भी मुकम्मल हमें पहचान हो कि अब्राहम ने इस नाम से जब दुआ की है यहवा से, यानी यहवा को वो अब्दी खुदा कह के पुकारा है, और उस वक्त जब वो जरार में था और वहां पर फिलिस्तीनियों का जो सरदार था, बादशाह था अबीमेलक, वो आता है उसके साथ, उसकी फौजों का सरदार फिकल, ये दोनों आते हैं, और अब्राहम से आकर वो बातचीत करते हैं। तो जो बातचीत 21वें बाब के अंदर है कि एक बड़ा प्रेशर अबीमेलक के ऊपर, जो फिलिस्तीनियों का सरदार था, किंग था, वो अब्राहम के पास आकर वो अब्राहम से ये एक रिक्वेस्ट करता है कि खुदा ने तुझे बहुत बुरमंद किया है, लिहाजा तू इस मुल्क में रहता है तो तू इसी तरह बुरमंद होता चला जाएगा, तो ना मुझसे, ना मेरे बेटे से, ना मेरे पोते से दगा करना। तो आप देखिए कि वो पुश्तों के अंदर ये बात समझ गया कि इस सरजमीन के अंदर अब्राहम जो मेसोपोटामिया से आ रहा है, इस जगह पे जरार में आकर वो कुएं भी खोद रहा है, और यहां पर उसको हर तरह की बरकत मिल रही है, तो वो ये जान गया कि खुदा इसके साथ है। तो उसने आकर अब्राहम से ये रिक्वेस्ट की, तो अब्राहम ने उसको कहा कि पहले तो अभी मल्क तुम मुझे ये बता कि जो कुआं हमारे लोगों ने खोदा था तो तुम्हारे लोगों ने क्यों हमसे छीना है। तो अभी मल्क ने फौरन कहा कि इस बात का मुझे नहीं पता, यानी अभी मल्क जो फिलिस्तीनियों का सरदार किंग है, उसके ऊपर कितना प्रेशर अब्राहम का आ चुका है, क्योंकि अब्राहम जिंदा खुदा की इबादत करता है और खुदा को वो जानता है। खुदा को रोया में उससे बातचीत की, खुदा ने उससे कॉल किया, खुदा ने उसे बुलाया, खुदा ने उसे चुना, मेसोपोटामिया से निकाला, उसको दिखाई दिया, उसको कहा चल और मेरे हुजूर कामिल हो। यानी इस कदर अब्राहम गहरे तौर से खुदा की जात को जान गया, समझ गया, ईमान लाया, लिखा ये उसके लिए रासबाजी ठहरा। तो अब्राहम की जो जात है, ये बहुत बड़ा ग्रेट जो लीडर बुजुर्ग हमें मिलता है, और खुदा अब्राहम इसहाक याकूब का खुदा कहलाया, तो ये ब्लेसिंग इसलिए मिली कि अब्राहम खुदा की जात को जान गया, समझ गया, और हर जगह पर जब वो खुदा से बातचीत करता है तो अब्राहम की गहरी पहचान जो खुदा के साथ है उसका जिक्र हमें मिलता है। और यहां पर अभी मल्क के साथ जो टॉक हो रही है, तो अभी मल्क के ऊपर एक बड़ा गहरा प्रेशर उसके ऊपर था कि अब्राहम को खुदा ने बहुत बरकत दे रखी है, और अपनी पुश्तों तक की रिक्वेस्ट करता है कि अब्राहम इस मुल्क के अंदर जब है तो हमारे लोगों परेशानी ना उठाएं। हालांकि उस मुल्क का किंग जो है वो अभी मल्क है, अब्राहम तो वहां पर मुसाफिरों की तरह रह रहा है, मगर बरकतों से भरा है। जिस तरह आज दुनिया के अंदर मैं आप बिलीवर मुसाफिरों की तरह है, पर हर तरह की बरकत हमारे पास है, इसी तरह हमारे बुजुर्गों के पास, अब्राहम इसहाक याकूब के पास हर तरह की बरकत थी, क्योंकि वो खुदा की जात को जान गए थे। तो उसने फिर अभी मल्क के साथ ये बात की कि ये क्यों कुआं हमसे, तो फिर उसने कहा कि मैं इस बात को नहीं जानता। तब उन्होंने फिर एक एग्रीमेंट किया, एक कोविनेंट आपस में बांधा कि हम एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यानी अब्राहम की जो बरकतें हैं वो अपनी बरकतों में अपने जिंदा खुदा की वर्शिप करेगा, और इसी तरह अभी मल्क और उसके लोग। तो ये एक एग्रीमेंट बांधा गया, उस एग्रीमेंट के बांधने के लिए जो अब्राहम ने उसको जानवर भेड़ बकरियां दी, ताकि ये कोविनेंट जो बांधा गया है तो ये गिफ्ट दिए गए। मगर उनके साथ अब्राहम ने एक और काम किया कि उसने 7 मादा भेड़ के जो बच्चे थे वो अभी मल्क को दिए, वो अलग दिए। तो अभी मल्क बड़ा हैरान हुआ कि ये 7 भेड़ के मादा बच्चे देने का मकसद अब्राहम क्या है। तो उसने जो उसको दे दिए भेड़ के बच्चे और एग्रीमेंट बांध दिया, तो इसका मतलब है कि हमारे दरमियान एक सुलह है और एक एग्रीमेंट है। तो जो भेड़ के बच्चों का मतलब जो देने का यही था अब्राहम के माइंड के अंदर कि जब इन भेड़ों से आगे उनकी जनरेशन होगी, यानी भेड़ों से भेड़े पैदा होंगी, तो अभी मल्क का गल्ला बढ़ता चला जाएगा, तो गोया अपनी भेड़ों में से
अपनी बरकत में से उसने अहद के तौर पर अभी मल के हैंड ओवर किया ताकि उसकी नजरों के सामने उसके एनिमल भी होंगे, मगर ये जो सात भेड़ के बच्चे मादा दिए गए हैं ये इस कदर उसको बरकत नजर आएगी तो वो जानेगा कि अब्राहम का खुदा जिंदा खुदा उसको बरकतें देने वाला खुदा है और वो अपने एग्रीमेंट पे भी कायम रहेगा और वो जिंदा खुदा की इबादत जो अब्राहम करता है उसको भी वो जानेगा। तो यूं ये एग्रीमेंट वहां बांधा गया। तो जब एग्रीमेंट वहां पर बांधा गया तो फिर अबीमलक जो है अबीमलक और उसका लश्कर का सरदार ये अब्राहम से रुखसत होकर चले जाते हैं और फौरन जो फिर एक्ट करता है अब्राहम के वहां पर फिर वो एक दरख्त लगाता है झाऊ का दरख्त यानी टैमारिस्क ट्री जो है वहां पर प्लांट करता है। तो अब आप देखिए कि उसने जो एग्रीमेंट बांधा है वहां पर कुएं खोदे जाएंगे वहां पर माल मवेशी सब चीजें वहां पर खुदा कसर से अब्राहम को देगा तो वहां पर उसने प्लांट को नसब किया है। आप देखें कई जगह वो मजबे बनाता है वर्शिप करता है मगर यहां पर उसने प्लांट लगाया है और ये प्लांट जो टैमारिस्क प्लांट है यानी झाऊ का दरख्त ये ड्राई लैंड के अंदर लगाया गया यानी ये बताया गया कि इस खुश्क सरजमीन के अंदर जो मैं दरख्त लगाऊंगा मेरा खुदा जो खुदाए अबदी है वो इस दरख्त को इस ड्राई लैंड के अंदर बढ़ेगा जिस तरह खुदा ने उसे बरकतें दी है। तो गोया अब्राहम जो दुआ करता है खुदा उसकी सुनता है और उसने झाऊ का दरख्त लगाकर खुदाए अबदी के नाम से दुआ की यानी एवरलास्टिंग गॉड का नाम लेकर यानी एल अलोम का हवाला देकर ये दुआ की कि मैं एवरलास्टिंग गॉड ए एटर्नल गॉड ए अबदी खुदा तुझसे दुआ करता हूं। तो गोया वो झाऊ का दरख्त लगाने का मकसद यही था कि इस ड्राई लैंड के अंदर ये दरख्त बताए कि अब्राहम ने अबदी खुदा से दुआ की है खुदाए अबदी खुदा एवरलास्टिंग गॉड से दुआ की है जो जिसका ना शुरू है ना आखिर है वो जो पहाड़ों वादियों मैदानों कायनात यूनिवर्स बनाने से पहले है एवरलास्टिंग है एटर्नल गॉड है अब्राहम उसको जानता है। वो खुश्क जमीन के अंदर ये प्लांट जो लगा दिया है ये प्लांट साबित करेगा कि इस खुश्क जमीन के अंदर जहां पर पानी नहीं है जहां पर कुएं पत्थर खोद खोद कर निकाले जाते हैं कुआं निकाला जाता है तो वो उन पथरीली इलाकों से कुएं भी निकाल लेता था और कुएं और उन पथरीली जगहों पर ड्राई लैंड के अंदर उसे प्लांट भी लगाकर ये बताना चाहा उस अभिमल को कोविनेंट के जरिए से कि सरजमीन के अंदर ये हरियाली मेरा यहवा खुदा मेरा एल एलाम खुदा जो है वो लाएगा यानी अबदी खुदा। तो अबदी खुदा कहने का मकसद यही था कि अभिमल को और दीगर वहां के लोगों को ये पता चल जाए कि ये मौजजा ये एवरग्रीन प्लांट जो यहां लगाया गया है ड्राई लैंड में इसका रीजन क्या है ये दुआ की गई है और ये अबदी खुदा से दुआ की गई है खुदा अबदी से दुआ की गई है एल अलाम से दुआ की गई है जो एटर्नल गॉड है जो एवरलास्टिंग गॉड है जो अब तक यानी अजल से अब तक खुदा है उससे दुआ की गई है और ये प्लांट फलेगा फूलेगा और इज़राइल के मुल्क के अंदर ये प्लांट आज भी इसी तरह फल रहे हैं और ये एवरग्रीन प्लांट है इसके अंदर फूल भी निकलते हैं मगर ये एवरग्रीन जो प्लांट वहां पर नसब किया गया झाऊ का दरख्त लगाया गया तो ये बिलीवर्स बात ज़हन में रखें कि ये ड्राई लैंड में लगाया गया है और इसलिए लगाया गया है कि अब्राहम यहवा खुदा जो एल एलोम खुदा है उसको जानता है यानी एवरलास्टिंग गॉड को जानता है खुदा अबदी को जानता है यानी जो अजली खुदा है उसको जानता है जिसने कायनात को बनाया है और ये एटर्नल क्रिएटर के अंदर हमने बात की कि अबदी खालक मगर यहां पर वो ये बताना चाहता है ना उसका शुरू है ना उसका आखिर है। तो आज के इस एपिसोड में एल अलाम के हवाला से ये बताया जाएगा कि उसका ना शुरू है ना आखिर है यानी सब कुछ जो बनाया गया है वो खुदाए अबदी ने बनाया है और ये जो प्लांट लगाया गया है ये टैमारिस्क प्लांट लगाया गया है ड्राई लैंड के अंदर अभी मलक और उसके लोग जाने कि ये खुदा अबदी खुदा अब्राहम के साथ है और यकीनन खुदा ने अब्राहम इजाक याकूब को बरकत दी और वो
अपने खुदा को जानता है, उससे दुआ करता है और खुदा उसकी सुनता है। तो ये जाओ का दख लगाना ये उसका मकसद था कि वो एवरलास्टिंग गॉड को जानता है और प्लांट लाइफ को जाहिर करता है। यानी जिस तरह एक ह्यूमन शख्स बढ़ता है, इसी तरह एक प्लांट बढ़ता है, और ये प्लांट ड्राई लैंड के अंदर लगाया गया है, यानी ये बढ़ेगा, फलेगा, इसमें जिंदगी आएगी। और कौन देगा, ये कौन लगाएगा? वो जिसने बंजर जमीनों के अंदर ये जमीन के ऊपर तमाम नबातात उगाए, तमाम दुनिया को, यूनिवर्स को बनाया, आसमानों के अंदर सूरज चांद सितारे कहकशाएं उसने बनाई। तो अब्राहम इन सब बातों के ऊपर गौर करता था, दाऊद भी इन सब बातों के ऊपर गौर करता था, वर्शिप करता था, गीत गाता था, दुआएं उठाता था, और अब्राहम भी इसी तरह दुआएं उठाता था। ये नहीं कि वो मेसोपोटामिया से निकलकर आकर उसे वादा किया गया है और खत्म। वो फेलोशिप करता था मलकीसेदक के साथ, वो इबादत करता था, वो टाइट देता था, वो खुदा के हजूर में पुकारता था, मजबे बनाता था, और जो बरकत उसको मिली उसका सारा पदाइश की किताब में जो हमें जिक्र मिलता है, फिर इजहाक और यकूब को किस तरह बरकत दी, और वो जो कोविनेंट यानी अब्राहमिक कोविनेंट बांधा गया है वो आज तक खुदा इसराइल को उससे बरकत देता है, और कौमों ने भी थ्रू क्राइस्ट जो बरकत पाई है उसी कोविनेंट के साथ जो अब्राहम से बांधा गया है। तो अब्राहम खुदा की जात को एलोहिम में जानता है, यहवा में जानता है, अदोनाए में जानता है, एल शदाए में जानता है, और यहां पर एल अलाम के हवाला से जानता है कि वो अब्दी खुदा है, ना बिगनिंग है, ना एंड है, ना उसका शुरू, ना उसका आखिर है। तो उसके नाम से दुआ की है और प्लांट झाओ का लगाया कि इस ड्राई लैंड के अंदर ये फलेगा, और उस ड्राई लैंड के अंदर वो दरख्त फला, और भेड़ के साथ मादा जो बच्चे दिए गए, बच्चे गिफ्ट के तौर पर, एग्रीमेंट के तौर पर अभिमल को दिए, ताकि वो भी जाने कि किस तरीके से उसके ये गिफ्ट जो एग्रीमेंट में दिए गए हैं, किस तरह उसका गल्ला बढ़ता है, और ये सरजमीन किस तरह ये जानवरों से भर जाती है। ये बरकत के वादे खुदा ने अब्राहम, इसहाक, याकूब से किए और उनको ये बरकत बख्शी। यहां जो एवरलास्टिंग गॉड का मुकाशवा अब्राहम के ऊपर खुला है, उसे अभी मल्क के साथ एग्रीमेंट बांधकर उस ड्राई लैंड के अंदर वो प्लांट लगाकर ये दुआ की कि ये एवरग्रीन प्लांट यहां एवरग्रीन प्लांट के तौर पर ही रहेगा, और वो इसी तरह हुआ, और उसने खुदा अब्दी से दुआ की। तो आज हम ये जानते हैं कि एक प्लांट लगाने का मकसद क्या था। आज आप दुनिया के अंदर देखें कि दुनिया के बादशाह दूसरे मुल्कों के अंदर जब ट्रेवल करते हैं तो वो उन बादशाहों से कहीं ना कहीं जगहों के ऊपर जाकर वो दरख्त लगवाते हैं, और वो सीजन के मुताबिक, मौसम के मुताबिक वो प्लांट लगाते हैं, फिर उसको पानी भी थोड़ा सा देते हैं और मट्टी भी डालते हैं ताकि वो पौधा यादगारी के तौर पर रहे कि ये फलां प्रेसिडेंट फलां कंट्री में आया, ये फलां प्लांट उसने ये लगाया था। तो ये अब्राहम ही से उन्होंने सीखा है कि किस तरह पैलेस्टाइन के इलाका में, जरार में, किस तरह अब्राहम ने ये प्लांट लगाया। तो अब्राहम ने तो किसी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अब्राहम ने गवाही के तौर पर, जिंदा खुदा का प्रचार करने के तौर पर, उसके नाम का इजहार करने के तौर पर वो टैमारिस्क प्लांट लगाया है, झाओ का दरख्त, और खुदा अब्दी से ये दुआ की है कि ये मैं प्लांट लगा रहा हूं क्योंकि तू अब्दी खुदा है जिसका ना शुरू है ना आखिर है, तू इस सारी कायनात में रहता है। इस अभी मल को पता चल जाए, जिससे हम ड्राई लैंड में कुएं खोदते हैं और ये तू हमें पानी देता है, तू हमें खिलाता है, तू हमें सब कुछ मुहैया करता है। ये जानवर जितने मैंने अभी मल्क को भी दिए हैं, वो जाने कि ये खुदाए यहवा ने ये बरकत उसको अता की है, ये छदाए खुदा ने उसको बरकत दी है, ये एल अलाम ने उसको बरकत दी है, यानी खुदाए अब्दी ने, एवरलास्टिंग गॉड ने। तो अब्राहम एटर्नल क्रिएटर को भी जानता है, एडोनाए के नाम से भी वाकिफ है, एल छदाए के नाम से भी वाकिफ है, और जब यहां पर वो अब्दी खुदा एवरलास्टिंग गॉड कह रहा है तो वो ये यहां पर बता रहा है कि वो जमानों से पहले, यानी वो जो अजल है, वो जो अबद है, जो कायनात कुछ भी नहीं है तो उसने बनाई है, और इसी बात का मुकाशवा पलूस के ऊपर खुला। और अब्राहम ही के हवाला से वो रूमियों चौथे बाब में कहता है कि अब्राहम उस खुदा पर ईमान लाया जो ये कहता है जो चीजें नहीं है उनको ऐसे बुला लेता है गोया वो है। यानी अब्राहम
कुछ भी नहीं था, अब्राहम को कॉल किया, फिर कायनात के अंदर, यूनिवर्स के अंदर कुछ भी नहीं था, तो खुदा ने सब चीजें बनी है, तो ड्राई लैंड के अंदर उसने भी एक प्लांट लगाकर ऐसा ही किया कि अगर बागे अदन के अंदर खुदा ने वो तमाम हरियाली लगाई है, तो उसने भी उस जात को जानता है कि जिसका ना शुरू है ना आखिर है, जिसने कायनात बनाई है। तो इस ड्राई लैंड में जब अब्राहम के साथ खुदा जिंदा खुदा है, तो उसने अबदी खुदा के नाम से टैमरिस्क प्लांट लगाकर झाव का दरख्त खुदा से दुआ की। क्या दुआ की? क्या खुदा ये बरुमंद हो, क्योंकि तूने हमें बरकत दी है, तूने हमसे एग्रीमेंट किए हैं, तूने वादे किए हैं, और खुदा अपने वादों में सच्चा है, और उस प्लांट को खुदा ने बरकत दी, वो एवरग्रीन प्लांट के तौर पर वहां ड्राई लैंड के अंदर आज भी वो दरख्त वहां उग रहे हैं, क्योंकि ये दुआ अब्राहम ने की किससे? यानी अब्दी खुदा से। मैं आप जब यहोवा बाप से दुआ करते हैं तो यीशु नाम के वसीला से दुआ करते हैं कि यीशु नाम में तू हमारी सुनता है, और यीशु नाम में जब एक ईमानदार दुआ करता है, ऐ आसमानी बाप, यीशु नाम से जो तूने अपना बेटा मेरे लिए बख्शा, उसके नाम से मैं तुझसे ये मांगता हूं, तो वो अता करता है। और जो यीशु को नहीं जानते, जो यहोवा बाप को नहीं जानते, उसके नामों से, उसके एट्रीब्यूट से, उसके नेचर से नहीं वाकिफ, तो वो अपनी जिंदगियों के अंदर बरकत को नहीं समेटते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनका बाप किस कदर, जो जिसका ना शुरू ना आखिर है, कैसे बरकत देता है। तो जब हम यहोवा को आज इबादत करते हैं, तो यीशु को जान गए हैं कि उसने अपने बेटे को बख्शा है, तो उसके बेटे के जरिए से हम उसके लिपालिक फर्जन। तो आप देखिए कि अब्राहम तो लिपालिक फर्जन नहीं था, उसको कौमों का बाप बनाया, और वो कौमों का वादा मसीह में पूरा हुआ, तो हम खुदा के लिपालिक फर्जन बने हैं। तो हमारा दुआ करने का जो पैटर्न है, एक ईमानदार को किस कदर समझ आनी चाहिए, वो अब्राहम से सीखे कि किस तरीके से उसे अभी मल्क के सामने कोविनेंट बाधा और फिर जरार के अंदर उसने ये झाओ का दरख्त लगाया और वहां पर दुआ की। और जब वो पौधा उसने लगा दिया, तो लिखा है वो कुछ दिन वहां पर, यानी रहा फिलिस्तीन के मुल्क के अंदर, और फिर खुदा ने उसको आजमाने के लिए इजहाक की कुर्बानी मांगी। तो वो उसके बाद, यानी ग्रेजुअली खुदा उसको सिखाता ही चला गया, अपनी जात से वाकफियत कराता ही चला गया, और वो भी ईमान के साथ आगे बढ़ता ही चला गया। तो ये एवरलास्टिंग गॉड का मुकाशवा अब्राहम के ऊपर खुला कि वो उस खुदा की इबादत करता है जिसका ना शुरू है ना आखिर है। जब हम कहते हैं नो बिगनिंग नो एंड, तो ऐसा खुदा एटर्नल गॉड है या एवरलास्टिंग गॉड है, यानी खुदाए अबदी है। तो खुदाए अबदी और एटर्नल गॉड के अंदर भी फर्क आ जाता है कि एटर्नल गॉड के अंदर हम नो बिगनिंग नो एंड कहते हैं, यानी एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग, यानी ना शुरू ना आखिर। उस खुदा ने जो टाइम स्पेस से बाहर है, वो जमानों से बाहर है, वो कायनात का बनाने वाला है, और चीजों को ऐसे बुलाता है गोया है, यानी एवरलास्टिंग गॉड ही जो है ये काम करने के ऊपर कादिर है। तो उसने झाव का दरख्त लगाते हुए ये प्रेर उठाई है। तो मुझे आपको भी अपने बाप का पता हो, क्राइस्ट का पता हो, और अपनी दुआओं का पता हो कि हम किस मौके पर क्या दुआ करें, कितना अपने बाप को जानते हैं, कितना बेटे को जानते हैं। तो एवरलास्टिंग गॉड को अब्राहम जानता था। तो ये अहम जो रेवलेशन यहोवा नाम का और यहोवा एल अलाम के हवाला से, यानी एवरलास्टिंग गॉड का मुकाशवा, खुदाए अबदी का जिसका ना शुरू है ना आखिर है, उसके नाम से अब्राहम ने दुआ की और उसको उसका रिजल्ट मिला। उसे ड्राई लैंड में कुएं खोद कर दिखाए और वो रश करने लगे अभी मल्क के लोग, फिलिस्तीनियों के मुल्क के अंदर, कि ये क्या शख्स है कि खुदा ने इसे बरकत दी है। और फिर जानवर भेड़ बकरियां ये बढ़ने लगी। अब यकूब की लाइफ में देखते हैं, वहां भी ये तमाम बरकतें खुदा ने उसे दी। इसहाक को खुदा ने बरकत दी, और इसहाक के वाला से तो लिखा है एक साल ही में खुदा ने उसको हर तरह की बरकत दी। उन्होंने कुएं को दे हर तरह की ब्लेसिंग, और ड्राई लैंड में खुश जमीन के अंदर ये टैमरिस्क प्लांट लगाकर झाव का दरख्त ये दुआ की कि तू एवरलास्टिंग गॉड है। तो गोया जो मानी यहां पर हमारे सामने खुल जाते हैं कि झाव का दरख्त एवरलास्टिंग गॉड का सिंबॉलिक के तौर पर वो जाहिर कर रहा है कि खुदा अबदी खुदा है,
प्लांट जो है ड्राई लैंड में, ये अब्दी खुदा यही लगाने वाला है, और यहोवा से उसने अब्दी खुदा खुदा एवरलास्टिंग गॉड से दुआ की। तो गोया ये अब्दी जिंदगी के हवाला से ये प्लांट लगाकर सिंबॉलिक वे में उसने ये प्रेयर उठाई है। तो अब्राहम एवरलास्टिंग गॉड को जानता था, यानी यहोवा एल अलोम से वो मुकम्मल वाकिफ था, और उसके नाम से उसने ड्राई लैंड के अंदर ये मिरेकल खुदा से लिए हैं कि जिसका ना शुरू है ना आखिर है। जब उसने सारी कायनात बनाई है तो वो खुश्क जमीन में से वो पानी चश्मे निकाल लेता है, और ये झाओ का दरख्त ये अभी मुल्क ये फिलिस्तीन के मुल्क में ये साबित करेगा कि मैं यहोवा की इबादत करता हूं, मैं खुदाए अबदी की इबादत करता हूं, जिसने कायनात बनाई, जिसने प्लांट बनाए, जिसने चश्मे पहाड़ बनाए हैं, मैं उसकी इबादत करता हूं। और हमें जबूर 90 के अंदर भी यही प्रे मिलती है मूसा की, और यशाया 40वें बाप में यशाया भी अब्दी खालक के हवाले से बात करता है। मगर जब 90 जबूर के अंदर जो मूसा का जबूर जबूरों की किताब के अंदर है, तो वहां पर भी जब आप मोसेस की प्रे पढ़े, मूसा की दुआ पढ़े, तो आप देखिए अब्राहम और मूसा ये इसराइल के बहुत बड़े लीडर हैं। यानी शरीयत से पहले अब्राहम, जिससे इसराइल वकूफ में आया है, और मूसा जिसको शरीयत दी गई, ये इसराइल का लीडर बना, दरमियानी बना, और खुदा से हकाम लेकर नेशन को दिए। तो आप देखें दोनों लीडर जो हैं ये एल अलाम के नाम से दुआ कर रहे हैं। और जबूर 90 के अंदर भी जब दुआ मूसा उठाता है तो कहता है ऐ खुदामंद तू पुश्त दर पुश्त, यानी नस्ल दर नस्ल हमें बरकत देता है, और आगे कहता है तू हमारी पनागाह ठहरा है, यानी रिफ्यूज प्लेस है, हमारी छिपने की जगह है, यानी हमारा खुदा। तो वो खुदाए अब्दी के नाम से आगे बात करता है, ये दुआ करता है कि इससे पेशतर के पहाड़ बने, इससे पेशतर के दुनिया वकू के अंदर आई, जो तूने क्रिएशन की है, तू अजल से अब तक यानी एवरलास्टिंग गॉड है। तो ये मुकाशवा जैसे अब्राहम को पता था कि अलोम यानी एवरलास्टिंग गॉड, यही मोसेस को पता था, और मोसेस ने भी यही दुआ उठाई कि इससे पेशतर के पहाड़ पैदा हो, यानी इससे पेशतर के यूनिवर्स बने, इससे पेशतर के सूर्य चांद बने, इससे पेशतर के दरख्त लगे, प्लांट लगे, चश्मे आए, कुछ भी बने, तू तो इस कायनात के अंदर यानी स्पेस टाइम से आगे है। और इसके ऊपर वो फिर बात करता है कि तू अजल से अब तक खुदा है, तुझसे दुआ करते हैं कि तू अजली अबदी खुदा हमारी पनाहगाह है, यानी कुछ भी नहीं, तू वो खुदा है जो हमें हमारे साथ है, पूछता है। और फिर वो आगे बात करता है कि बनी आदम को तू खाक में मिला देता है, यानी खाक से ही उसको निकाला था और खाक में ही मिला देता है, और कहता है कि ऐ बनी आदम लौटा, यानी तू इख्तियार रखता है, यानी तूने ही आदम को पैदा किया है, तू ही इनको मिट्टी में मिला देता है, तू ही जो हमारी फिक्र करता है, हमारी पालना करता है, रिफ्यूज प्लेस है, तो इसको खाक में मिला देता है। फिर टाइम स्पेस की बात करता है, इन डायमेंशंस की बात करता है, तो वो कहता है कि तेरे नजदीक 1000 साल ऐसे हैं जैसे एक गुजरा हुआ दिन, यस्टरडे वो दिन गुजरा, तेरी नजर में 1000 वर्ष ऐसे हैं। तो यानी वो तो खुदा के नजदीक टाइम कोई चीज नहीं है, खुदा के नजदीक स्पेस कोई चीज नहीं है, क्योंकि वो सारी कायनात के अंदर रहता है, यानी ओमनी प्रेजेंस हर जगह मौजूद है। तो एवरलास्टिंग गॉड जिसका ना शुरू है ना आखिर है, इस जात को जानने वाले हर तरह की बरकत ले जाते हैं, यानी वो हमारी रिफ्यूज प्लेस है, यानी वो हमारी पनाहगाह। मूसा ने कहा कि पुश्त दर पुश्त तू ही हमारी यानी खुदाए अबदी एवरलास्टिंग गॉड जो अजल से अब तक है, एल अलाम गॉड है, अबदी यहोवा खुदा है, हमारी पनाहगाह तू है। यानी ये पहाड़ वादियां मैदान जो कुछ इंसान बना, जिसको तू खाक पे मिलाकर बुला भी वापस लेता है, 1000 साल तेरे सामने ऐसे लम्हे हैं, और लिखा है कि ऐसे 1000 साल है फिर जैसे कोई रात का एक पहर है, यानी तेरे सामने कोई टाइम नहीं है, तू वो खुदा है, हम तेरी इबादत और तेरी प्रस्तुति करते हैं। और फिर आगे वो खूबसूरत बात लिखता है, एक तो वो कहता है कि इंसान की उम्र की मियाद 70 साल हो, कुवत हो तो 80 साल, तो ज्यादा फोकस इसी के ऊपर होता है। हालांकि ये बियाबान के जो पीरियड की बात की गई थी, जो 40 साल की एज में मिस्र से निकले, 40 साल उनको मिले तो वो 80 साल के थे, और जो 30 साल के लोग थे उनको 40 साल बियाबान के अंदर मिले
तो उनकी उम्र 70 साल, तो वो 70 और 80 साल की बात करता है। एवरेज जो उम्र दी गई वो 120 साल, मगर यहां पर 70-80 साल, मगर फिर भी वो टाइम की बात करता है कि तू खाक में मिला देता है और अपने पास बुला लेता है, क्या बनी आदम लौट आ, यानी तेरे सामने 1000 वर्ष भी किसी को मिले तो गोया वो एक दिन है, या वो एक पैर है, या वो 3 घंटे है, या वो आंख की झपकी है। तो यानी अबदी खुदा जिसका ना शुरू है ना आखिर है, उसके सामने गोया एक इंसान कुछ भी नहीं है। और फिर वो बात करता है दुआ के अंदर, ए खुदा, यानी ए अबदी खुदा, ए एवरलास्टिंग गॉड, जो टाइम स्पेस से बाहर है, जिसका ना शुरू है ना आखिर है, 1000 साल रात के पहर ऐसे हैं, लम्हे हैं, तो लिखा है हमें जिंदगी के दिन गिनना सिखा। तो इसका मतलब ये निकला कि हम जो इस दुनिया में जिंदगी बसर करते हैं, इसका कोई टाइम खुदा के सामने नहीं है, वो जब मर्जी बुला सकता है। तो एवरलास्टिंग गॉड के हां, जब हम दुआ करते हैं तो इस नाम में ही हमारी प्रोटेक्शन है, इसी में हमारी पनाहगाह है, ना कि ये 70-80 साल, ना कि हम जिंदगी के दिन गिने, कहां तक गिनेंगे, 1000 साल तक गिनेंगे, वो उसके सामने गोया कल का दिन है, एक दिन है, चंद लम्हे है, चंद घड़ियां हैं। अबदी खुदा की वर्शिप, कि वो हमारी पनाहगाह है, उनको खुदा बरकत देता है। और ये अब्राहम के ऊपर इस नाम का इजहार हुआ, और मूसा के ऊपर इस नाम का इजहार हुआ। और फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर जो सवाल पूछा गया कि एलोहिम और यहोवा में और फिर अलोम में फर्क, वो यही है कि एलोहिम के अंदर हम एटर्नल क्रिएटर की बात करते हैं, यहोवा के अंदर एटर्नल वन यानी अबदी खुदा है उसकी बात करते हैं। मगर जब हम यहोवा के अंदर हम जो अबदी है यानी आई एम यहोवा का यही मतलब है, और यही खुदा की जात का नाम है जो एलोहिम है, एटर्नल क्रिएटर है। जब एल अलोम की बात करेंगे तो ये उसका ना शुरू है ना आखिर, इस मानी के अंदर हम बात करेंगे कि उसका कोई शुरू नहीं कोई आखिर नहीं। उस खुदा पर अब्राहम ईमान लाया, और पौलुस ने ये बात ये जाना इन तमाम बातों से अब्राहम की, कि वो चीजों को ऐसे बुला लेता गोया वो है यानी ड्राई लैंड के अंदर, उसने प्लांट लगाकर अब्राहम ने ये साबित किया कि ये प्लांट यहां पर लगेगा, ये ड्राई लैंड के अंदर ये उगेगा, और टैमर इस प्लांट वहां पर उगा, और उसने एग्रीमेंट बांधा, और भेड़ के साथ मादा बच्चे भी अभिमल के सपुर्द किए। तो जो एवरलास्टिंग गॉड का रेवलेशन है वो यानी वो पुष्ट दर पुष्ट हमारे साथ है, यानी आज कलीसिया जब हुकू के अंदर आई है तो ये पुष्ट दर पुष्ट आज तक खुदा एवरलास्टिंग गॉड जो है हमारे साथ है। तो जब बाप, जब हम पेट्रोलॉजी के अंदर गॉड द फादर वो अब्राहम के ऊपर जाहिर हुआ है, और इस एट्रीब्यूट में की जा रही है कि वो ना शुरू है ना आखिर है, यानी वो एवरलास्टिंग गॉड है। तो एवरलास्टिंग गॉड में अब्राहम ने इस बात को जाना और अपनी जिंदगी में वो बरकत ली, और उस बरकत के मुताबिक खुदावंद ने उसको सरजमीन के अंदर बरकत से नवाजा, और वो मलके सिदक के साथ फेलोशिप करता था, उसकी इबादत करता था, और हर चीज से बरमंद हुआ, और जो कोविनेंट उसके साथ बांधा गया मसीह में वो पूरा हुआ, जिसमें क्रिस्टोलॉजी में मैं बात करूंगा कि यीशु मसीह खुदा का बेटा, जैसे बाप एल अलोम है इसी तरह बेटा भी एल अलोम है, यानी एवरलास्टिंग गॉड है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। नाज़रीन, आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन क्रामन से हासिल किया, अब हम अपने दूसरे और आखिरी क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे। पर सेवन बिलीवर्स टेंपल ऑफ गॉड की क्लीसिया बाइबल स्टूडेंट्स यहोवा एल अलोम के हवाला से, यानी एवरलास्टिंग गॉड, ये अहम रेवलेशन अब्राहम की जात के ऊपर खुला। और एवरलास्टिंग यानी एटर्नल गॉड, तो एवरलास्टिंग नो बिगनिंग नो एंड, जो इसका मतलब ना शुरू ना आखिर। तो जब हम एटर्नल क्रिएटर की बात करते हैं तो अबदी खालक वो एलोहिम के अंदर, जब एडोनाई की बात करते हैं तो एडोनाई का मतलब लॉर्ड है, पर इज़राइल एडोनाई का नाम लेकर दुआ करते और यहोवा ही की इबादत करते, तो लॉर्ड के मानी के अंदर। और इसी तरह एल शडाई जो बरकत देने वाला, कसर से बरकत देने वाला। जब एल अलोम की बात करते हैं, ये एवरलास्टिंग यानी जब अजल अबद की बात करेंगे तो इसका मानी आएगा एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग, यानी अजल से अबद। तो अजल से अबद को हम इस तरह डिफाइन करेंगे जैसे पिक्चर के अंदर भी, या तो हम एटर्निटी का साइन इस तरह बताएं
तो ये एटर्निटी का ना शुरू ना आखिर उसी में आप रहते हैं सर। मगर अगर आप सर्कल की बात करें तो गोल सर्कल, तो जब हम सर्कल को लेते हैं तो सर्कल में पास असाइनमेंट, अगर यहां से शुरू करके हम सर्कल में वापस इस जगह पे आते हैं तो इसका मतलब है जो अजल अजल का पॉइंट है वही अबद है। तो अजल अबद, तो खुदा की जात ना शुरू है ना आकर, तो ये सारा यूनिवर्स सारा स्पेस टाइम जितना भी है, जो खुदा की जात जो है ओमनीप्रेजेंस, इसी तरह उसका बेटा और होली स्पिरिट जिस तरह एयर हर जगह के ऊपर मौजूद है, इसी तरह खुदा की जात हर जगह पर मौजूद है, उसका ना शुरू है ना आखिर है। तो अब्राहम जब दुआ करता है तो उसने खुदा अबदी से दुआ की, यानी यहोवा एल एलोम से दुआ की, एवरलास्टिंग गॉड से, यानी ड्राई लैंड के अंदर उसने प्लांट लगाकर उस अबदी जिंदगी का मजारा दिखाया है कि ये प्लांट यहां पर उसकी जमीन से उगेगा। दुआ किसे की? जो यहां मौजूद है, और उस जमीन के अंदर अब्राहम की गवाही फैलती चली गई इस बरकत के साथ। और फिर पिक्चर के अंदर जैसे एक रोड है, रोड के ऊपर जा रहा है, तो ये दरमियान से आप रोड को चेक करें, यानी उसका एंड ना आपको पता हो ना शुरू हो, तो आप दरमियान रोड की पिक्चर ले लें, या दो जिस पर ट्रेन दौड़ती है उस लाइन की ले लें सेंटर में से, वो कहां जा रही है कहां से आ रही है, बस उस दरमियान दरमियान जगह को। तो खुदा की जात ना उसका शुरू ना आखिर, तो वो जो उसकी जात है यही उसका शुरू है यही उसका आखिर है। तो जो हवाला जात पढ़ेंगे वो क्राइस्ट के हवाला से जब हम बात करेंगे कि वो एल अलॉम यानी एवरलास्टिंग गॉड है, तो नौवें बाप के अंदर जब क्राइस्ट की जात के बारे में उसके तजस्म के बारे में बात की गई है कि हमारे लिए एक लड़का तवलद हुआ, हमें बेटा बख्शा गया, उसका नाम अजीब मुंशी खुदाए कादर अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा होगा। आगे ये खुदाए कादर अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा, और आगे लिखा है उसकी सल्तनत और इकबाल मंदी की इंतहा ना होगी। और आगे रेवलेशन पर्सन बिलीवर्स लिखा है वो दाऊद की सल्तनत के ऊपर आज से लेकर अब तक वो बादशाही करेगा, आज से अबद। तो जब आज से अबद तक है तो अबद एवरलास्टिंग है, तो जब आज है ये भी एवरलास्टिंग है, यानी यहां पर अब एवरलास्टिंग का स्टार्ट होने जा रहा है। आज से अब तक अगर उसका शुरू नहीं है तो ये भी एवरलास्टिंग है, इसको हम एटर्नल गॉड के अंदर लिखे हैं। जब एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग करेंगे तो अब ये तजस्सम की बात है। जब हम क्राइस्ट को खुदा की जात के अंदर सन ऑफ गॉड में देखते हैं तो एटर्नल गॉड में एवरलास्टिंग गॉड है। जब हम तजस्सम में बात करेंगे तो यहां भी एवरलास्टिंग शुरू हुई है, यानी खुदा की जात खुदा का बेटा तजस्सम के अंदर जब आया है तो यहां से बादशाही डेविड कोविनेंट के मुताबिक दाऊद की बादशाही का स्टार्ट होता है। तो अब यहां पर एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग, यानी आज से अब तक, यानी एक तो अजल से अब तक है, अब यहां एवरलास्टिंग से एवरलास्टिंग, यानी यीशु मसीह जो एवरलास्टिंग गॉड है वो तजस्सम के अंदर आया है, तो ये अब तक ये बादशाही रहेगी, यानी बदन के अंदर खुदा का बेटा जो खुदा अनदेखा खुदा है, जब उसका कलाम कलामे खुदा सन ऑफ गॉड तजस्सम लेता है बदन के अंदर आता है, यानी एवरलास्टिंग गॉड जब तजस्सम के अंदर आता है तो ये एवरलास्टिंग ही का स्टार्ट होता है। तो एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग, तो ये तजस्सम के अंदर बात अब आएगी, तो वो बात शेयर करेगा ये डेविडिक कोविनेंट के मुताबिक। तो जब हम एल अलॉम की बात करते हैं तो यहोवा जो है एल अलॉम है अब्राहम उसे दुआ करता है। जब मैं आप क्राइस्ट से दुआ करते हैं तो हम एल अलॉम वो खुदा की जात में खुदा का बेटा वो एल अलॉम है यानी एटर्नल है, और जब तजस्सम के अंदर है तो वो अपनी एवरलास्टिंग को बता रहा है कि वो एवरलास्टिंग है, और जब वो एवरलास्टिंग है इसलिए उसका तजस्सम उसका मरना दफन होना जी उठना इसमें उसकी अजली कुदरत अजली अलूहियत नजर आती है। तो जब हम जब बाइबल मुकदस के अंदर इब्रानियों पहला बाब उसकी आठवीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर जब पौलुस जिक्र करता है कि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा तो मेरा बेटा है, यानी बेटा वो जो अजली है, बेटा वो जो कलामे खुदा है, वो जो एल अलॉम है यानी खुदा अबदी खुदा है एवरलास्टिंग गॉड है, उसके हवाला से कि फरिश्तों से कब कहा तू मेरा बेटा है आज तुम इसे पैदा हुआ। फिर वो कहता है कि फरिश्तों को उसने हवाएं और खादमों को आग के शोले बनाता है
और आगे लिखा है बेटे की बाबत, यानी अल अलाम जो बेटा है उसकी बाबत ये कहता है कि ए खुदा तेरा तख्त अब्दुलाबाद तक रहेगा। तो यानी उसके थ्रोन की बात हो रही है। अब उस थ्रोन के ऊपर ये इंसान के अंदर यानी अल अलाम जो एवरलास्टिंग गॉड है वो बैठा है तजस्म के अंदर, जिसकी जो एवरलास्टिंग का तजस्म से स्टार्ट होता है यानी अब तक, यानी वो अजल से अब तक जो है यानी एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग, जिसका ना शुरू है ना आखिर है, पर तजस्म में आकर आज से अब तक यानी जब वो पैदा हुआ है उस वक्त से जब वो बदन में आ गया है वो अब तक बदन के अंदर एल अलाम के तौर पर दिखता रहेगा, यानी उसका तख्त अब्दुलबाद रहेगा। ये अबदी खुदा है जो तख्त के ऊपर बैठा है और ये दाऊद के साथ अहद बांधा गया है। और ये बात जो पलुस इब्रानियों के खात में जिक्र करता है कि बेटे के बाबत वो कहता है कि खुदा तेरा तख्त तेरा थ्रोन अब्दुलबाद रहेगा, तो अब्दुलबाद है जिसका ना शुरू है ना आखिर, पर तजस्म का तो स्टार्ट हुआ, तजस्म के अंदर एवरलास्टिंग उसने अपनी अलूहियत ली, तजस्म के अंदर आकर अब वो बदन के अंदर यानी इमॉर्टल बॉडी के अंदर वो अलूहियत रखता हुआ बदन के अंदर, यानी आप ये मुकाशवा है कि एवरलास्टिंग गॉड जो है बदन के अंदर दिख रहा है, जिसका ना शुरू है ना आखिर है, जो यूनिवर्स में स्पेस टाइम से भी आगे है। तो गोया बदन के अंदर है, अब बदन में भी ना उसका शुरू है ना आखिर। इसलिए उसने यूहन्ना अरब से कहा मुकाशवा पहले बाप के अंदर कि मैं मर गया था जिंदा हूं, अब्दुलबाद जिंदा रहूंगा, मैं अवल और आखिर हूं। तो अवल आखिर क्राइस्ट की जात तजस्म के अंदर भी अवल आखिर है, ये रेवलेशन है। और ये इससे पहले बाप के अंदर मैंने पढ़ा है कि वहां पर लिखा है कि उसने वो पोशीदा भेद जो अजली खुदा के अंदर था यानी अल अलाम के अंदर, जिसका ना शुरू ना आखिर अब्दी खुदा के अंदर जो रेवलेशन भेद था, लिखा है कि उसका इजहार यसु मसीह के जरिए से हुआ, और लिखा है जमानों के पूरे होने का ऐसा इंतजाम हुआ कि वो मसीह में पूरा हो गया। यानी जमानों का मतलब है शरीयत से पहले का जमाना, शरीयत का फजल का, एक तो ये जमाने हैं, फिर जो अजली जमाने हैं अबदी जमाने हैं, यानी अजल अबद को भी आपने देखना है तजस्म के अंदर मसीह में वो दिख रहा है। तो मैं आप अजल अबद में कैसे आ गए, जब मसीह को कबूल कर लिया कि वो अल अलाम गॉड है यानी एवरलास्टिंग गॉड है, उस पर बिलीव करना, जमानों के पूरे होने का ऐसा इंतजाम खुदा ने मसीह यानी एवरलास्टिंग गॉड में कर दिया, जो उसका बेटा है अल अलाम, जिसका ना शुरू ना आखिर तजस्म के अंदर लाकर टाइम स्पेस से बाहर इस बॉडी को ले गया है, ताकि वो बदन के अंदर भी दिखे और जमानों का सारा इंतजाम भी उसमें हो, यानी अजली जमाने अबदी जमाने मसीह के अंदर जो है तजस्म के अंदर आ गए। तो ये इतना बड़ा रेवलेशन अल अलाम का दे दिया गया है। और फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम खुशखबरी जब प्रीच होती है, होली स्पिरिट आज हमें इस्तेमाल कर रहा है, तो पहले तो जब हम बाप को कहते हैं कि वो अजली खुदा है एवरलास्टिंग गॉड है, बेटा भी एवरलास्टिंग गॉड है, तो होली स्पिरिट भी एवरलास्टिंग गॉड है। और ये इब्रानियों नौवें बाप के अंदर पौलुस कहता है कि हम शुक्र करते हैं खुदा का, अजली खुदा का, यानी जिसने अपना बेटा जो अजली है उसको कुर्बान किया हमारे लिए, तो लिखा है अजली रूह के वसीला से। तो वहां पर जो एल अलाम होली स्पिरिट के लिए भी आया है कि वो अजली है यानी उसका भी ना शुरू ना आखिर है, तो वो हमारे लिए उसके वसीला से यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दी है, यानी तजस्म के अंदर आकर मुझे आपको ले लिया है, खुदा के लिए पालक बेटे बेटियां बना दिए हैं, यानी हम कलीसिया उस एल अलाम एवरलास्टिंग गॉड जो अब तजस्म के अंदर है, बदन के अंदर है, थ्रोन जिसका तख्त अब्दुलबाद कायम रहेगा, जिसका ना शुरू है ना आखिर है, एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग उसने बदन लिया है, और उसमें मैं आप अब तक उसमें सल्तनत करते रहेंगे, और उसकी बादशाही कलीसिया के अंदर स्टार्ट है, और होली स्पिरिट हमें दे दिया है। और पौलुस रसूल रोमियों 16वें बाब में यह बात करता है कि वो भेद जो अजल से पोशीदा था उस अजली खुदा के हुक्म के मुताबिक मैं उसका खादम बना और खुशखबरी दे रहा हूं, ताकि कौमें लोग ईमान लाए उसके ऊपर, यानी अल अलाम के ऊपर ईमान लाए। उस अजली खुदा का हुक्म है पौलुस के लिए कि वो यसुम से जो एवरलास्टिंग गॉड है उसकी बाबत बताए, जो एवरलास्टिंग होली स्पिरिट जो है
उसके वसीले से उसने अपना कफारा दिया है, यानी अजली खुदा जो अजल थे जिबा के वह बड़ा खुदा का बेटा मसाया। तो अहल अलाम के अंदर हम जमानों के पूरे होने का इंतजाम देखते हैं। तो बाप पेट्रोलॉजी के अंदर खुदा का बेटा, एस्ट्रोलॉजी के अंदर और होली स्पिरिट, ये असली खुदा है, यानी अल अलाम यहवा यावे अल अलाम जो हमें मुकाशवा मिलता है, खुदा अबदी खुदा एवरलास्टिंग गॉड। तो जब एवरलास्टिंग गॉड का मुकाशवा है तो अब्राहम की तरह हम दुआ करने वाले अपने यहवा बाप से कि बेटे के जरिए वो हमारी दुआ को सुनता है, कुछ भी ना हो, ड्राई लैंड भी क्यों ना हो, वो वहां पर हमें हरियाली बचेगा, हर तरह की बरकत देने वाला खुदा है। और पौलुस ने कहा जिसने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया वो बाकी चीजें हमें क्यों ना देगा। तो हम ऐसे जिंदा खुदा की इबादत करते हैं जो एलोम है, यानी वो ना उसका शुरू ना उसका आखिर, यानी एवरलास्टिंग गॉड, यानी पुश दर पुश आज क्रिश्चियन जो है पूरी दुनिया के अंदर उसके अंदर कायम है। लिखा है वो हमारी पनाहगाह है, यानी कलीसिया वो जगह है जहां पर एलोम यानी यहोवा एवरलास्टिंग गॉड रहता है, उसका बेटा भी और होली स्पिरिट भी। हम ऐसी जगह के ऊपर हैं, यानी कायनात के अंदर ये एक ऐसी प्लेस है जहां पर हमारा खुदा तख्त नशीन होता है, यानी एवरलास्टिंग गॉड जो मौजूद है। और जिस तरह ड्राई लैंड में अब्राहम ने दुआ की, हम कलीसियाओं के अंदर, ये तो ड्राई लैंड अब नहीं है, हम ड्राई लैंड कंट्रीज के अंदर इस जगह पर ये जो पौधे लग गए हैं, खुदा का शुक्र करें कि ये प्लांट हमारी जिंदगी ये ऐसे प्लांट लगा दिए गए हैं, और हम हमेशा खुदा का शुक्र करते रहे उसके बेटे के जरिए और होली स्पिरिट से मामूर रहे। किसी बात का डर खौफ हमारी जिंदगी में ना हो, ना काल ना वबा ना ड्राई लैंड ना कोई अखुश्क जमीने ना बंजर जमीने, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, खुदा का बेटा हमें दे दिया गया है। और हम अपने एवरलास्टिंग गॉड यहोवा का शुक्र करते हैं, यानी एवरलास्टिंग गॉड का शुक्र करते हैं, एल अलाम एवरलास्टिंग गॉड का, यानी एल अलाम खुदा अबदी का शुक्र करते हैं जो हमें मिल गया है, यानी बाप भी बेटा भी होली स्पिरिट भी, यार एलोम गॉड है, यानी खुदा अबदी जिसका ना शुरू है ना आखिर है, पर तजस्म के अंदर बेटे के जरिए से ये मुकाशवा मिल गया है कि तमाम जमाने अजल अबद अब मसीह में है, यानी मसीह को कबूल कर लिया तो हम अजल अबद में आ गए हैं। सो पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल ऑफ गॉड की क्लीसिया बाइबल स्टूडेंट्स क्रिस्टोलॉजी की पेट्रोलॉजी की तालीम को समझता हुआ और यहोवा एल और यहोवा एल एलोम की तालीम को खुदा अब्दी एवरलास्टिंग गॉड की तालीम को जानता हुआ जोसिंग टाइम में टीओजी चैनल के बदौलत की सहायता के साथ है खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जनाजे उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग जो कि यहोवा एल ओलाम यानी एवरलास्टिंग गॉड के हवाले से थी, आपने गहरे मुकाशवाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस बरकत को हासिल करें। नाज़रीन आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे और रेवरेंड विल्सन कामन ने 2024 से नई सीरीज का आगाज किया है जो कि गॉडलीनेस के हवाले से, जिससे लोग बरकत पा रहे हैं, आप भी आए दूसरों को भी लाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी थी जिसमें हिजकिल की किताब के हवाले से टीचिंग दी जा रही है, इसमें दूसरी क्लीसियों से दूसरे खादिम भी ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। टीओजी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर 0300-947-6405 जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा है, स्टूडेंट्स अपना नाम पता भेजकर रजिस्टर हो सकते हैं और एक साल इस टीचिंग को ऑनलाइन लेने के बाद वो बीटीएच की डिग्री को हासिल कर सकते हैं। अगले जुम्मे ठीक 8 बजे से वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशवात और बेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।